जब मार्केट में शैम्पू, कंडीशनर और साथ में सफेद बाल काला करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता था, तो लोग क्या करते थे बालों को मैनेज करने के लिए? यानी मेरी दादी परदादी ऐसा कौन सा नुस्खा अपनाती थी, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ, ये एक प्रकार से दादी वाली नुस्खा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। आज जो होम रेमेडी लेकर आई हूँ, ये आपका जो सफेद बाल है उसको काला करेंगे। साथ में आपको शैम्पू करने की जरूरत नहीं है, बालों को कंडीशनिंग भी करेंगे और बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में बहुत सारे बेनिफिट्स बताती जाऊंगी। और साथ में मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले गैस स्टोव पर एक कटोरी रखना है। कटोरी में एक कप पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद 2 टेबलस्पून ऐड करना है चाय पत्ती। चाय पत्ती डालने के बाद 1 स्पून से अच्छे से चाय पत्ती को मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। उसके बाद उसको उबालने के लिए 10 मिनट छोड़ देना है धीमी आंच में। 10 मिनट होने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ करना है और उसके बाद उसको एक बार स्टेन करना है, यानी एक बाउल में एक छलनी रखना है और उसको अच्छे से स्टेन कर लेंगे। और स्टेन करने के बाद जो चाय पत्ती रह जाएंगे उसको सुखा कर आप पौधों में यूज कर सकते हैं, ये पौधों का ग्रोथ बढ़ाते हैं। अभी चाय पत्ती के पानी के साथ ऐड करना है 5 रीठा, 3 शिकाकाय और साथ में 9-10 ड्राई आंवला। ये तीनों इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगे, नहीं तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उसके बाद 1 स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके साथ 1 स्पून ऐड करना है मेथी दाना, और मेथी दाने डालने के बाद आपको 1 स्पून से फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। और मिक्स करने के बाद आपको 1 प्लेट से उसको ढककर पूरी रात भिगो कर रखना है। पूरी रात भिगो कर रखने के बाद आप वीडियो में देख सकते हैं, रीठा शिकाकाय सॉफ्ट हो गया है। अभी उनके अंदर से बीज निकालना है। बीज निकालने के बाद साफ हाथों से सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मैश कर लेंगे। इसलिए मैश कर रही हूँ ताकि जितना भी शिकाकाय आंवला में जूस है वो निकल जाए। शिकाकाय को आप एक प्रकार से सुपर फूड बोल सकते हैं, क्योंकि आपके कम उम्र में जो सफ़ेद बाल आने लगते हैं उसको रोकते हैं, साथ में बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाते हैं। और सर्दियों में जो स्काल्फ डाई होने के वजह से डैंड्रफ का प्रॉब्लम होते हैं वो ख़त्म करते हैं, और साथ में बालों का ग्रोथ बढ़ाते हैं। और ये सबसे अच्छा क्लींजर का काम करते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये एकदम शैम्पू जैसा लग रहा है ना। सारी चीज़ों को अच्छे से मैश करने के बाद एक बाउल लेना है। बाउल के ऊपर एक छलनी रखना है और उसको एक बार स्टेन करना है। स्टेन करने के बाद जो आंवला, रीठा, शिकाकाय, मेथी दाना रह जाएंगे उसको एक बार ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के लिए उसको एक छोटा मिक्सी जार में डालकर आपको पानी ऐड नहीं करना है। अगर आप ग्राइंड करने के टाइम दिक्कत आ रहे हैं तो आपको 2 टेबलस्पून आपका जो निकाल कर रखे थे जूस वही डालकर आपको पेस्ट बनाना है। आप वीडियो में देख सकते हैं, एक फाइन पेस्ट मिल गया है। अभी क्या करना है, उसको फिर से स्टेन करना है। और उसके लिए जो पहले स्टेनर लिया था उसको जूस के ऊपर रखकर उसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा डालकर स्टेन कर लेंगे, ताकि एक भी दाना नहीं रहे आपका बालों में लगाने के टाइम। तो ये देखिए, धीरे धीरे उसको स्टेन करेंगे। डैंड्रफ की वजह से जो हेयर फॉल होते हैं उसको रीठा कंट्रोल करते हैं, साथ में बालों का ग्रोथ बढ़ाते हैं। और मैंने यहाँ पर और 2 चीज यूज किया था, वो है चाय पत्ती और आंवला, जो आपके सफेद बाल है उसको काला करेंगे और एक लाइट बर्गंडी कलर देंगे, और साथ में बालों को सॉफ्ट और शाइनी भी बनाएंगे। और साथ यूज़ की थी मेथी दाना। मेथी दाने में आयरन, प्रोटीन और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज
भरपूर मात्रा में रहते हैं जो डैंड्रफ रिड्यूस करते हैं, साथ में आपका हेयर फॉल कंट्रोल करते हैं, बालों को स्ट्रॉन्ग और शाइनी बनाते हैं और आपका जो कम उम्र में सफ़ेद बाल आने लगते हैं उसको रोकने में हेल्प करते हैं और साथ में बालों का ग्रोथ बढ़ाते हैं। अगर आप चाहे तो ग्लास के एयरटाइट कंटेनर में डालकर उसको एक महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, पर लगाने से पहले रूम टेम्परेचर में लाना जरूरी है। अभी बालों में लगाना है। अभी बालों में हेयर पैक को कैसे लगाना है? पहले बालों को अच्छे से साफ करना है, यानी मेरा मतलब है बालों में कोई भी तेल लगा हुआ नहीं चाहिए। उसके बाद पूरे बालों में हेयर पैक को लगाना है। अगर आप चाहे तो एक शावर कैप पहन सकते हैं। उसके बाद आपको एक घंटा वेट करना है और एक घंटे के बाद आपको नॉर्मल पानी से बालों को वॉश करना है। उस टाइम आप शैम्पू और कंडीशनर यूज करने की जरूरत नहीं है। बाद में भी आपको शैम्पू और कंडीशनर यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैक में शैम्पू और कंडीशनर दोनों का काम करेंगे। और ऐसे ही आपको वीकली 2 बार लगाना है और 2 महीना यूज करना है। और उसके बाद आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। और साथ में अगर आपका कोई हेयर रिलेटेड इशू है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस हिसाब से मैं होम रेमेडी आपके लिए लेकर आऊंगी। और साथ में आप कौन सा जगह से देख रहे हैं वो भी आप बताना मत भूलिएगा। इफ यू लाइक माई वीडियोस देन गो टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।